अब जबकि मामला आईटी ट्रिब्यूनल में पहुंचा तो वहां पर यह साफ हो गया है कि खाते फ्रीज नहीं रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था और उन्होंने लिखा, पीएम मोदी सत्ता के नशे में चूर हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। ये पोस्ट जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से किया गया था। और अब आपको सुनाते हैं कि आईटी ट्रिब्यूनल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने वाले कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं विवेक तनखा, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। आई जस्ट अपीयर्ड फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर द आईटीएटी बेंच दिल्ली एंड इट वाज कोर्ट नंबर 1 वेयर आई सेड दैट ऑल बैंक अकाउंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी ऑफ द एआईसीसी हैव बीन फ्रोजन, which means in the coming festival of elections, one of the largest stakeholders will not be able to participate. We will not be able to take up any expenditure whatsoever, whether it is movement of vehicles, people, yatras, anything at all connected with these elections. The court heard me for some time. It also, I said, we have very good case on facts. We had filed a return on time. It is being misconstrued, and only for that reason we can't be punished disproportionately. Number two, our revenues for that particular year was 198 crores, and we spent admissible expenditure that was incurred was 197 crores, and how a penalty. A taxation of 130 or 115 odd crores has been made on us, with interest coming to 135 crores. I said, it is all I would like to argue on merits. But today, protect the party, protect democracy, and allow us to operate a bank account. Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that... और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद हैं। तो जैनेन्द्र, बुधवार में अब दोबारा इस मामले में सुनवाई होगी। बिल्कुल विवेक, तनखा के मुताबिक बुधवार को अब जो अंतरिम राहत की अपील की गई है उस मामले में अगली सुनवाई होगी। और अंतरिम राहत के तौर पर आईटीएटी कोर्ट से निर्देश ये मिला है कि कांग्रेस अब अपने खातों को संचालित करती रहेगी। हालांकि हम सामान्य भाषा में कहें तो वो आईटी की निगरानी में, आईटी विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग की निगरानी में कांग्रेस अपने खातों का संचालन करती रहेगी। तो जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ा संकट था कि खाते पर ही रोक लग गई है, रोजमर्रा के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं निकाल सकते, और जब खाते फ्रीज हैं तो उसमें पैसे भी नहीं जमा हो सकते। कांग्रेस माफ करिए, आप बताइएगा आखिरकार ये कांग्रेस पर आईटी का शिकंजा कसा ही क्यों, किस आधार पर आईटी की तरफ से ये कदम उठाया गया था जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से आईटीएटी का दरवाजा खटखटाया गया, और जहां से अब कांग्रेस पार्टी को ये राहत मिली है कि उसके खाते फ्रीज नहीं होंगे। फिलहाल आपको दिखा देते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं, उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। वो लिख रहे हैं, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। तो सीधे निशाने पर मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी को ले रहे हैं राहुल गांधी अपने इस पोस्ट के जरिए। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे, ये राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको जैनेन्द्र के पास। बताइए जैनेन्द्र, पूरा मामला क्या था, किस आधार पर ये खाते फ्रीज करने का फैसला लिया गया? देखिए, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके मुताबिक ये मामला तकरीबन 5 साल पहले का है। और अजय माकन ने यह कहा कि 18-19 के वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। अजय माकन का कहना है कि 199 करोड़ जो कांग्रेस को चंदा मिला था उसमें से 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया गया था और इसी के आधार पर 210 करोड़ की रिकवरी की पेनल्टी लगाई गई है। अजय माकन का कहना है कि ये जो कैश का में जो राशि जमा की गई थी वो दरअसल कांग्रेस के जो विधायक और सांसद हैं उन्होंने पार्टी के खाते में ये जमा कराया था। और रुवाना, अगर आपके पास समय हो, मेरे साथ बीवी श्रीनिवास जुड़ गए हैं, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूथ कांग्रेस का खाता भी फ्रीज हुआ था। हालांकि श्रीनिवास, अब ये अपडेट आ रहा है कि आईटीएटी से आप लोगों को एक राहत मिली है और अब आप अपने खाते संचालित कर सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं क्लियर साफ साफ दिख रहा हूँ, ये लोग ने इस देश का किसान को फ्रीज किया, इस देश का युवा को फ्रीज किया, छोटे छोटे बिजनेसमैन को फ्रीज कर दिया,
अभी यूथ कांग्रेस पार्टी का अकाउंट, नौ अकाउंट फ्रीज करने का काम इन लोग ने किया है। ये मैं इनको कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी सरकार, तानाशाही सरकार चलाना बंद करो। जो चुनाव के समय में पिछले 5 साल का पुराना आप बता रहे हैं, अभी आपने किया, ये तो जानबूझ के कर रहा है। संगठन ऑफिस कार्यालय चलती क्या हुई आप लोगों से? आधार क्या है, वो क्या आरोप क्या है? बीजेपी को आपके घर आने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। ये तानाशाही सरकार है, बीजेपी के लिए एक अलग कानून है, अपोजिशन के लिए अलग कानून है, कुछ भी करेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को आप सुन रहे थे, जो सीधे सीधे निशाने पर वही मोदी सरकार को ले रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।